نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا دعوا تجارة أو لحوا فادوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحم ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين حمد و صلاة کے بعد حاضرین اجتماعی جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ شریف میں
हम सब नमाज जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू के घर में जमा हैं। मौलाए करीम हम सब का जुमतुल मुबारक की अदायगी के लिए यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने 28वें सिपारे में से सूरह जुमा का आखिरी रुकू तिलावत करने की सआदत हासिल की है। सूरह जुमा के आखिरी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने सिर्फ अहले ईमान को खिताब फरमाया और इस पूरे रुकू में जुमा शरीफ के अहकाम और आदाब जो हैं वो बयान फरमाए गए। आज इसी मौजू पर कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों का मुल्क हो, मुसलमानों की बस्तियाँ हों, तो जुमतुल मुबारक के इज्तिमाआत और जुमतुल मुबारक के दिन की कदर व मंजिलत मुसलमानों से के अमल से ये ज़ाहिर होता है कि जैसे इस दिन की अहमियत और अफादियत और जुमे की फर्जियत इसके अहकाम इसके आदाब से कौम बेखबर है, या फिर ख़बर तो है मगर जानबूझ कर जैसे दूसरे इस्लामी शायर का एहतराम और तौकीर और इज़्ज़त दिलों से तेज़ी के साथ निकलती जा रही है, शायद जुमतुल मुबारक के मामले में भी यही मामला जो है वो कौम के साथ पेश आ रहा हो। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी और अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जुमे की फर्जियत इसके अहकाम इसके आदाब पर कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लें कि जुमतुल मुबारक को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम दिनों से अफजल दिन बनाया है और इस दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू ने जुमे के दिन को ईमान वालों के लिए ईद का दिन बनाया है। पहली बात तो ये है कि ये हफ्ते के 7 दिनों में से अफजल दिन है, और दूसरी बात कि इस जुमतुल मुबारक को अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों के लिए ईद का दिन करार दिया है। दो बातें, और तीसरी बात, इस दिन में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों पर जुमा फ़र्ज़ फरमाया है। सूरह जुमा 28वें सिपारे के आखिरी रुकू में जुमे की फर्जियत का ज़िक्र किया गया, और जुमा जो है ये फ़र्ज़ ऐन है, और इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जुमतुल मुबारक की अदायगी हर ईमान वाले पर फ़र्ज़ ऐन रखी है। और जुमे में दो बातें हैं, एक खुतबा और एक नमाज। खुतबे के बग़ैर जुमे की अदायगी नहीं, जुमे के लिए खुतबे की अदायगी शर्त है, और इसे अल्लाह तबारक व ताला ने ताकीद के साथ कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया, इसलिए कि हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजरत मदीना से पहले
मदीना मुनव्वरा के वो लोग जो ईमान ला चुके थे उनको एक उस्ताद की ज़रूरत थी, एक मुअल्लिम की ज़रूरत थी। कि इस्लाम तो वो कबूल कर चुके थे मगर उनको दीन सिखाने के लिए और दीनी तालीमात से आगाह करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत थी, मुअल्लिम की ज़रूरत थी कि वो जहाँ मौजूद रह कर उन सबको दीनी तालीम दे और दीनी तरबियत उनकी करे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा का एक वफ़द हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने अपनी ज़रूरत जो है हुजूर के सामने पेश की कि हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है कि जो हमें दीन सिखाए, दीन की तालीम से आगाह करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला की ड्यूटी लगाई कि आप वहाँ जाएँ और मदीना मुनव्वरा के लोगों को दीन की तालीम दें जो ईमान ला चुके हैं। और मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द यहूदियों की आबादियां थीं। मक्का मुकर्रमा में सब कुफर था लेकिन मदीना मुनव्वरा में इर्द गिर्द आबादियों में यहूदी आबाद थे और कुछ ईसाइयों की भी बस्तियां थीं। यहूदी हफ्ते के दिन जमा होते और अपने दीन और मज़हब के मुताबिक वो इबादत करते। हफ्ते के दिन एक मकाम पर सब इकट्ठे होते। ईसाई इतवार के दिन इकट्ठे होते और अपने दीन के मुताबिक रसूमात अदा करते। तो हज़रत मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दीन की तालीम और तबलीग के लिए मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया तो लोगों ने कहा कि जिस तरह हफ्ता यहूदियों ने अपने लिए ज़िक्र और इबादत के लिए मुंतखब किया हुआ है और वो जमा होते हैं एक जगह पे, इकट्ठे होकर वो रसूमात शरईया अदा करते हैं, इसी तरह ईसाई इतवार को जमा होते हैं, मुसलमानों का भी एक दिन होना चाहिए जब वो सब एक जगह इकट्ठे होकर मिलकर अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के ज़िक्र करें। अभी तक जुमे की फर्जियत के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे और इस दिन का नाम जुमा भी नहीं था, इस दिन का नाम था उरूबा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत और बेसत मुबारका से कमोबेश 650 साल कबल हुजूर के आबाओ अजदाद में से हज़रत काब बिन लूत थी, वो हर उरूबा के दिन, यानी जुमे का नाम उरूबा था, यौमुल उरूबा, इस दिन को वो कुरैश को जमा करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हुजूर के तशरीफ़ लाने से 660 साल पहले ज़िक्र फरमाया करते थे और उस दिन इकट्ठ होता था, आप उसमें वाज़ो नसीहत करते थे। इसी तरह ये अरब के अंदर इसका नाम उरूबा मशहूर था, यौमुल उरूबा। तो हज़रत मसअब बिन उमैर से जब मशवरा हुआ कि इस दिन कोई मुकर्रर किया जाए इकट्ठा होने के लिए और वो हफ्ता भी ना हो और इतवार भी ना हो, इसके अलावा कोई दिन हो, क्योंकि ये दोनों दिन मखसूस हैं यहूदियों और ईसाइयों के, चुनाचे हज़रत मसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्तिहाद से काम लिया और मदनी सहाबा किराम को जमा करके आपने वाज़ो नसीहत और तालीम दी। उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। ये इज्तिहाद से अमल लेकर ये उन्होंने अमल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पीर का दिन, मंगल का दिन, बुध का दिन और जुमेरात का दिन ये हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने बस्ती कुबा में हुजूर ने क़याम फरमाया और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा जो है मदीना मुनव्वरा में
बस्ती कुबा में उसका संग बुनियाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रखा। और जुमातुल मुबारक के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के इस मोहल्ले कुबा और बस्ती से शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ हुजूर ने इरादा फरमाया और तशरीफ ले गए। जब हुजूर बनू सालम कबीले के मोहल्ले के करीब से हुजूर का गुजर हो रहा था तो जुमे का वक्त हो गया और उसी वक्त जुमे की फर्जियत के अहकाम जो हैं वो नाजिल हुए। तारीख इस्लाम का सबसे पहला जुमा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन अदा फरमाया जब हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और बस्ती कुबा से मदीना शरीफ जाते वक्त बनू सालम कबीले के मोहल्ले से गुज़रते हुए एक छोटा सा मैदान था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जुमे की नमाज पढ़ाई और खुतबा इरशाद फरमाया। ये पहला जुमा था तारीख़ इस्लाम का जो हुजूर ने अदा फरमाया। आज मदीना मुनव्वरा में उस मकाम पर बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है जिसका नाम मस्जिद जुमा है। ये वही जगह है जहाँ हुजूर ने तारीख़ इस्लाम का पहला जुमा जो है वो अदा फरमाया था। यहाँ जब जुमे के अहकाम नाजिल हुए तो यही आयात मुकद्दसा जो 28वें पारे में सूरह जुमा का आखिरी रुकू है इसमें जुमे के फर्जियत के और अहकाम और आदाब बयान किए गए और इरशाद रब्बानी हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों इज़ा नूदिय लिस्सलात मिन यौमिल जुमा जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए निदा दी जाए आज़ान दी जाए फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह तो दौड़ो अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र की तरफ वज़रुल बै खरीदना और बेचना कारोबार करना ये सब बंद कर दो ख़त्म कर दो और नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में पहुँचो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इसमें तुम्हारे लिए खैर है बेहतरी है इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जब जुमे की अजान हो और जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। यहाँ दौड़ने से मुराद दौड़ लगाना या भाग कर आना नहीं है क्योंकि दूसरी हदीस पाक इसकी वजाहत में मैं अर्ज़ करूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मस्जिद में पहुँचो और जमात खड़ी हो तो भाग कर और दौड़ कर जमात के साथ शामिल न हो, ये वक़ार और मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात की रक़त पाने के लिए दौड़ कर जमात में शामिल न हो बल्कि आराम सुकून और वक़ार के साथ आओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रक़त रह जाए उसको बाद में पूरी कर लो। इससे मालूम ये हुआ कि भाग कर दौड़ कर आना यहाँ मुराद नहीं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह का माना ये है इज़ा नूदिय लिस्सलात मिन यौमिल जुमा जुमे की अजान के बाद हर वो मसरूफियत और हर वो काम जो नमाज जुमा के लिए जाने में रुकावट बने उसको तर्क कर देना उसको ख़त्म कर देना। इखलासुल अमल वन नीयत कि अमल और नीयत के इखलास के साथ अल्लाह के ज़िक्र और उसकी इबादत के लिए हर काम हर मसरूफियत हर मशगूलियत को तर्क करके फौरन अल्लाह के घर में पहुँचना इसका हुक्म दिया गया है आयत करीमा। और वज़रुल बै खरीदना बेचना कारोबार करना वो हराम हो जाता है जुमे की अजान के बाद। मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द से लोग नमाज जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में
हुजूर की इक्तिदा में नमाज जुमा अदा करते और देहातों से और करीबी बस्तियों से आने वाले लोग कुछ ना कुछ माल साथ ले आते, क्योंकि अरब के अंदर लोगों का ज़्यादा इन्हिसार जो है उनकी मईशत उनकी इक्तिसादियात उसकी बुनियाद तिजारत थी, कि अरबों का छोटा बच्चा जो है वो भी तिजारत करता है, जवान भी तिजारत, बुज़ुर्ग और बूढ़े भी तिजारत का शुगल इख्तियार करते हैं। लिहाजा वो लोग क्या करते कि माल लेकर आते और जुमे की नमाज से पहले बहुत चहल पहल होती मदीना मुनव्वरा में, बहुत बड़ी मंडी लगती जुमे को, अपना माल वहाँ बेचते और वहाँ से माल खरीद कर अपनी आबादियों में ले जाते या माल का तबादला करते। तो जब ये अहकाम इसलिए नाजिल हुए कि ये चहल पहल, ये कारोबार, ये तिजारत, इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत रखी है, लेकिन जब आज़ान तक तुम्हें इजाज़त है कारोबार करने की, और जब आज़ान हो जाए तो फिर हराम है हर किस्म का कारोबार, दुकानदारी फिर ममनू है, फिर हुक्म है कि फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, इखलासुल अमल वन्नियत, अमल और नियत के इखलास के साथ फिर नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में पहुँचने का हुक्म है, क्योंकि खिताब सिर्फ अहले ईमान से किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग जुमातुल मुबारक तर्क करने छोड़ने से बाज आ जाएं, अगर जुमा तर्क करना और छोड़ने से वो बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल पर मोहर लगा देगा। और फिर ये अहकाम जब नाजिल हुए कि कारोबार फौरन ठप हो जाता जैसे ही अजान होती, तो फिर हर शख्स का रुख जो है मस्जिद की तरफ होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में ये मंजर देखा जा सकता है कि जब अजान होती है तो जिस गली और जिस बाजार को देखा जाए तो अहले ईमान का रुख जो है वो नमाज जुमा की अदायगी की तरफ होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कितने वाज़े अहकाम फरमाए कि अजान से लेकर नमाज से फारग होने तक कारोबार ममनू और हराम करार दे दिया, और इससे अगली आयत करीमा में फरमाया इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब जुमे की नमाज पढ़ चुको नमाज जुमा से फारग हो जाओ तो फरमाया फिर अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो कि जैसे ही नमाज जुमा की अदायगी से फारग होते फिर कारोबार शुरू हो जाता और दुकानें खुल जाती, चहल पहल और रौनक होती, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फिर रिस्क में बड़ी बरकत रखी कि नमाज जुमा से पहले बंद करके नमाज जुमा के बाद फिर आओ और अल्लाह का फजल अब तलाश करो। इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, फिर अल्लाह की जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। बहुत से औलिया अल्लाह जो हैं उन्हें बाजार में जुमे के बाद कोई काम नहीं होता था, बहुत से सालहीन के वाक़यात किताबों में मौजूद हैं कि उन्हें बाजार में कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस फायद पर कि अमल हो जाए और सवाब मिल जाए कि जब जुमे की नमाज हो जाए तो फन तशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो अल्लाह का फजल जो है उसको ढूंढो और तलाश करो। ये फिर रुख्सत दे दी गई। तो ये मुख्तसर वक्त अजान जुमा से लेकर नमाज जुमा की अदायगी तक का, इसको हर काम को जो है रोक दिया गया और मना कर दिया गया। दरअसल इस्लाम ने पसंद ये फरमाया कि एक दिन मुसलमानों का ऐसा होना चाहिए जो फ़कत अल्लाह की इबादत, उसके ज़िक्र, उसके याद और मुसलमानों के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल के हल के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए, मुआशरती एतबार से भी, कि जुमा जो है एक मरकज़ में हो, एक बर जामे मस्जिद हो जहाँ सब लोग जमा हों, मोहल्लाजात से और एक दूसरे से मुलाकात, मुसाफा, मुआनका, खैर वाफियत का मालूम करना, एक दूसरे के अहवाल की खबरगीरी करना, ये था असल मकसूद व मतलूब नमाज जुमा की फर्जियत का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया, और उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार पाई। मसलन ये दिन फ़कत इबादत और ज़िक्र के लिए मुतय्यन किया गया कि हजामत इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन हजामत बनवाते, जुमे के दिन गुसल करना सुन्नत, जुमे के दिन अच्छा और उम्दा लिबास पहन कर खुशबू लगा कर अल्लाह के जिक्र और इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना, ये हुजूर की सुन्नतें हैं। और एक वाज़ह हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे की आज़ान हो जाए तो सब काम छोड़ कर मस्जिद में आओ और आकर नफल पढ़ने शुरू कर दो, अल्लाह का जिक्र करो, नवाफल की अदायगी करो, तिलावत में मशगूल रहो, इमाम के आने तक नवाफल की अदायगी, तिलावत कुरान, तस्बीहात, और जब इमाम आ जाए तो फिर सब काम बंद करके फिर हमतन गोश होकर खुतबा सुना जाए। ये थे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जुमतुल मुबारक के हवाले से। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को मुतय्यन फरमा देता है, और अगर मस्जिद के एक से ज़्यादा दरवाजे हों तो हर दरवाजे पर दो दो मलाइका जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। हर आने वाले का नाम, वो एक दफ्तर होता है, रजिस्टर होता है, जिसमें बाकायदा हर आने वाले का नाम वो दर्ज करते हैं। और जब इमाम साहब मिंबर पे आते हैं तो वो रजिस्टर बंद करके आखिरी सब में मलाइका बैठ कर खुतबा सुनते हैं। और जो शख्स जुमे की अदायगी पाबंदी से करता है और फरिश्ते दोनों आपस में बात करते हैं कि फलां शख्स आज जुमा पढ़ने नहीं आया, तो उसके लिए फिर वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर वो बीमार है और जुमा पढ़ने नहीं आया तो उसको शिफा अता फरमा, अगर मुसाफिर है तो उसका सफ़र खैरियत से हो और सेहत सलामती आफियत और खैरियत के साथ अहल वयाल में वो वापस आए, और अल्लाह अगर किसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी को दूर फरमा, अगर किसी मुश्किल में फंसा हुआ है तो उसको उस मुश्किल से निजात और रिहाई अता फरमा। मलाइका उस सआदतमंद के लिए दुआएं करते हैं कि जो नमाज जुमा मुस्तकिल अदा करे और किसी जुमे में किसी वजह से नहीं आया तो मलाइका फिर रब की बारगाह में उसके लिए अर्ज करते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जुमे के आदाब जब सिखाए तो फरमाया कि जुमे की आज़ान होते ही मस्जिद में पहुंचो, फरमाया जो अव्वल वक्त में आएगा उसको ऐसे सवाब मिलेगा जैसे उसने ऊँट अल्लाह के रास्ते में खैरात किया, जो उसके बाद वाली घड़ी में आएगा जैसे गाय उसने खैरात की, उसके बाद वाली घड़ी में आएगा जैसे उसने बकरी खैरात की, उसकी बाद वाली घड़ी में आएगा तो ऐसे जैसे मुर्गी खैरात की, और जो आखिरी साथ में आता है कि जब मलाइका रजिस्टर बिल्कुल बंद कर रहे हो उस वक्त जो शख्स आता है उसको एक अंडा मुर्गी का जो है ये सदका करने का सवाब इतना उसको मिलता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि दीन के मामले में जो गफलत है, दीन का एक अदना खादिम और दीन का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि रमज़ानुल मुबारक के उस मुकद्दस महीने में कि जिसके मुतल्लक हुजूर ने फरमाया कि अगर लोगों को इल्म हो जाए कि इस महीने में अल्लाह करीम ने कितनी बरकतें और कितनी खैर रखी है तो लोग इस बात की तमन्ना और आरजू करें कि सारा साल ही रमज़ान शरीफ आए, इस रमज़ान शरीफ में मस्जिदों का जो हाल है वो किसी से मख्फी नहीं, रोज़े का एक ज़माने में अदब एहतराम सुना करते थे बुज़ुर्गों से, कमसिनी में देखा भी कि सरेआम खाने पीने से लोग बहुत बचते थे जिसका रोज़ा भी नहीं होता था। अब तो हैरत की बात है कि अच्छे भले सेहतमंद लोग जो हैं वो सरेआम खाते पीते हैं, कोई रुकावट और ममानियत भी नहीं है, यानी वो एहतराम और अदब जो था वो भी ख़त्म होता चला गया। नमाज जुमा के अवकात में
खेल कूद और तमाशे जो हैं वो जुमे के टाइम में मुनक़द किए जाते हैं। इसी तरह नमाजों की एहतियात जो है वो भी उठती चली जा रही है। और बदकिस्मती ये है कि हमने ये समझ रखा है कि सारा साल ना नमाज पढ़ो ना दीन की तरफ आओ, एक महीना मस्जिद में आ जाओ तो तुम बस बख्शे बख्शाए गए हो। जबकि अहादीस मुबारका के मुताले के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद, पूरी जिम्मेदारी से अला वजहिल बसीरत, कुरानी आयात और अहादीस मुबारका के मुताले के बाद ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जो शख्स साल भर नमाज नहीं पढ़ता, साल भर दीन की तरफ नहीं आता, तो एक महीने के लिए अपने आप को मुसलमान समझता है तो उसको उसका रोजा कतान कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि साल के अंदर एक महीने के लिए मुसलमान बन रहा है या तसव्वुर कर रहा है, बाकी महीनों में आजादी ले रहा है कि अपनी मन मर्जी की जाए। जबकि मुसलमान का माना ही ये है कि जिसका अपना इख्तियार अपने अमल पर, अपनी जात पर खत्म हो जाए, वो हर अमल उसका जो है अल्लाह ताला के अहकाम की तामील में हो जाए। और फिर रमजानुल मुबारक एक महीने के लिए मुसलमान बनने के लिए ये महीना नहीं आया कि एक महीने के लिए मुसलमान बन जाओ बाकी 11 महीने में आज़ादी करो, ऐशो इशरत करो, नहीं, बल्कि अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। आज ये गर्मी जिसमें पंखे भी चल रहे हैं, हर किस्म की सहूलत भी मौजूद है, मगर ये गर्मी भी काबिले बर्दाश्त नहीं है, इस कदर शदीद गर्मी। और प्यास का आलम जो रोज़ेदार है उससे पूछिए कि इतनी शिद्दत की गर्मी में प्यास का क्या आलम होता है। इस दुनिया की गर्मी से बचने के लिए इतना एहतमाम कि पंखों का भी इंतज़ाम हो रहा है, हर वो काम जिससे गर्मी से बच जाए उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, करना भी चाहिए। इस गर्मी से बचने का इतना एहतमाम और इंतज़ाम, और वो गर्मी इस प्यास से बचने के लिए इंतज़ाम क्या है कि कोई घड़े का पानी पी रहा है, कोई मटके का पी रहा है, कोई बर्फ़ का पी रहा है, हस्ब इस्तेताअत प्यास बुझाने के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। कभी आपने गौर किया कि एक वो गर्मी और प्यास है जिसका कुरान में भी जिक्र आया, जिसका हदीस में भी जिक्र आया। जिगर थाम कर जरा हदीस सुनना, किसी आम आदमी का कौल नहीं है, इमामुल अंबिया का कौल है, रसूलुस सकलैन का इरशाद है, ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि कयामत के दिन, अब सूरज यहां से लाखों मील दूर है तो उसकी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, उसकी गर्मी से बचने के लिए एहतमाम और इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन एक वो गर्मी है जिसका हदीस के अंदर जिक्र आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज हर शख्स के इतना करीब आ जाएगा कि हर शख्स अपना हाथ सूरज को लगाना चाहे तो सूरज को हाथ लगा सकेगा। लाखों मील दूर सूरज है तो उसकी हिद्दत, उसकी गर्मी, उसकी हरारत नाकाबले बर्दाश्त है। तो जो सूरज इतना करीब आ जाएगा कि हर शख्स उसको हाथ लगा सकेगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज नंगे पांव फर्श पर नहीं चल सकते दोपहर की गर्मी में, लेकिन उस वक्त क्या आलम होगा कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तांबा जिस तरह तपाया जाता है इस तरह जमीन जो है वो तप रही है। इन्ना ज़लज़लत सा'अत शैउन अज़ीम, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया कि कयामत जब आएगी तो उससे पहले जलजला आएगा। और वो जलजला कैसे होगा, फरमाया कि जिस तरह कश्ती तूफान में डोलती है दरिया में, इस तरह जमीन जो है हरकत में आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली होगी उसको अपना बच्चा भूल जाएगा, और जो हामला औरत होगी उस जलजले से उसका हमल साकित हो जाएगा, और हर शख्स अफरा तफरी और घबराहट का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कयामत के आने से पहले। और जब कयामत आ जाएगी
फिर सूरज इतना करीब होगा कि हर शख्स अपना हाथ सूरज को लगा सकेगा, और सूरज लाखों मील दूर है तो गर्मी की ये कैफियत तो हिद्दत है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कदर शदीद गर्मी और प्यास का आलम होगा, हुजूर की हदीस है, हुजूर के लफ्ज पढ़ रहा हूं, कि जिस तरह कुत्ता गर्मी में अपनी जुबान बाहर निकाल कर भाग रहा होता है, इस तरह हर शख्स की प्यास के साथ जुबान बाहर को निकली हुई होगी और उसकी जुबान अपने सीने के साथ लग रही होगी। अलअतश अलअतश लोग पुकार रहे होंगे, हाय पानी हाय पानी हाय प्यास, और सूरज इतना करीब होगा पसीना कितना आएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा कि आका फिर पसीने का क्या आलम होगा, ये दुनिया में पसीना तो बर्दाश्त नहीं होता, अजियत देता है, तकलीफ पहुंचाता है, जब कयामत के दिन पसीना आएगा तो आका आलम क्या होगा। रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इस कदर पसीना आदमी का बहेगा जैसे पानी का चश्मा जारी होता है, इस तरह आदमी के जिस्म से पसीना बह रहा होगा, और हर शख्स अपने ही पसीने में गर्क होगा। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधे तक होगा। फरमाया जितने आमाल के मुताबिक, गुनाहों के मुताबिक हर शख्स का पसीना होगा, और हर शख्स अपने पसीने में ही गर्क होगा। अलअतश अलअतश पुकारेंगे, साया कोई नहीं होगा, यहाँ तो मस्जिद की छत है, घर की छत है, दुकान की छत है, दरख्त के साये में बैठते हो, उस दिन क्या आलम होगा कि सूरज इतना करीब होगा कि हाथ सूरज को लग सकेगा, लोग भागेंगे, अफरा तफरी का आलम होगा, हाय को साया मिल जाए, हाय को साया मिल जाए, अलतश अलतश पुकारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों पर कितना मेहरबान होगा। इतने में क्या होगा कि हर शख्स नंगा होगा, किसी के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। पूछा हुजूर क्या औरतों के जिस्म पर भी लिबास नहीं होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए औरतों के बदन पर भी लिबास नहीं होगा, हर मर्द और औरत बरहना होंगे। तो हुजूर वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं मर्द औरत। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का कहर और गजब इस उरूज पर होगा, सूरज इतना करीब है कि हाथ लग रहा है, जमीन तांबे की तरह तप रही है, हर कोई मदहोश होगा, देखने वाला ये समझेगा कि शायद इसने नशा किया हुआ है। कुरान है आयत करीमा की, अल्लाह करीम ने फरमाया वो लोगों ने नशा नहीं किया होगा, अल्लाह के अजाब की कैफियत इस कदर गालिब होगी कि हर कोई लर्ज रहा होगा, कांप रहा होगा, किसी को खबर भी ना होगी कि दूसरे की तरफ नजर उठा कर देख। आज आयशा सिद्दीका पूछती हैं हुजूर औरतें भी नंगी होंगी, फरमाया किसी औरत के बदन पर भी लिबास नहीं होगा। तो हुजूर वो फिर एक दूसरे को देखेंगे नहीं, हुजूर ने फरमाया किसी की मजाल नहीं होगी कि नजर उठा के किसी को देख सके। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे लिबास पहनाएगा, फिर अंबिया किराम को लिबास पहनाया जाएगा, जब सब नबियों रसूलों को लिबास पहना दिया जाएगा, फरमाया फिर अबू बकर सिद्दीक को लिबास पहनाया जाएगा, फिर उमर फारूक को लिबास पहनाया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे हौज़े कौसर पे लाया जाएगा। लोग कहेंगे कहीं से पानी का एक घूंट मिल जाए, एक बूंद पानी की मिल जाए, लेकिन पानी कहीं से मुयस्सर नहीं होगा। जरा गौर तो करो, बिजली बंद हो तो क्या कैफियत हो जाती है। साया यहां मौजूद है, मस्जिद की छत है, इसके बावजूद लेकिन वहां तो साया भी कोई नहीं होगा, और ये 16 घंटे का 15 घंटे का दिन गुजारना मुश्किल है। रहमत कायनात ने फरमाया कयामत का दिन, एक रिवायत में है कि 1000 साल का दिन कयामत का दिन होगा, और दूसरी हदीस में 50,000 साल के बराबर कयामत का दिन होगा। अल्लाह अकबर, हर कोई कह रहा होगा पानी मिल जाए पानी मिल जाए, हुजूर को हौज़े कौसर पे लाया जाएगा,
हजरत अबू बकर, हजरत उमर होंगे, मलाइका आवाजें देंगे कि आओ आओ, रहमतुल आलमीन अपने मुकद्दस हाथों से तुम्हें जामे कौसर पिलाने वाले हैं। आओ, जिस जिसने कौसर का जाम पीना है, महबूब किबरिया के हाथों से जामे कौसर बट रहा है, जितने आसमान के सितारे हैं इतने हौदे कौसर के कटोरे और प्याले हैं। इरशाद होगा आओ, आका करीम पानी कौसर का पानी बांट रहे हैं। लोग दौड़ेंगे, अलतश अलतश, प्यास प्यास मर गए, कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकली होगी, छाती से लटक रही होगी जुबान, सरकार जामे कौसर पिला रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे आओ, पानी आज उसको मिलेगा जिसके पास पास होगा, जिसके पास टिकट होगा, वसीका होगा, पास होगा, पानी सिर्फ उसको मिलेगा। अल्लाहु अकबर, मलाइका लाइनें लग जाएंगी, मलाइका कहेंगे जाओ, जिस जिस के पास टिकट है, वसीका है, पास है, पानी उसको मिलेगा। कहेंगे यार पास कहां से मिलेगा, पानी कहां से, ये टिकट कहां से मिलेगा, ये टोकन, ये वसीका कहां से मिलेगा। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर होंगे, मलाइका कहेंगे जाओ, टिकट कोई कागज का टुकड़ा नहीं होगा, पास कोई गत्ते का नहीं बना होगा, टोकन कोई लोहे का नहीं बना होगा, टोकन क्या है, टिकट क्या है, पास क्या है। रहमते कायनात फरमाते हैं, मेरी उम्मत का वो फर्द जो दुनिया में पाबंदी से नमाज पढ़ा करता था और वुजू किया करता था, उसके वुजू की आजा चमक दमक रहे होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा फरिश्तों, जिसके वुजू की आजा चमक रहे हैं, यही टिकट है, यही पास है, यही टोकन है। मलाइका कहेंगे कि जिस जिसके वुजू की आजा चमक रहे हैं वो आ जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वो खुश नसीब जो शिद्दत की गर्मी होगी गर्म पानी से वुजू करके नमाज पढ़ेगा। मेरी उम्मत का वो फर्द कि पो माँ की सर्दियों की ठिठरी रातें होगी वो ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ेगा। फरमाया उसके वुजू के आजा चमक रहे होंगे और वुजू की आजा से नूर छिन छिन कर निकल रहा होगा, और जिस जिस के वुजू के आजा चमक रहे होंगे यही टिकट होगा, यही पास होगा, यही टोकन होगा। रहमत कायनात फिर हर एक को कौसर का कटोरा पानी का भर के सरकार पिलाएंगे। सुनते जाओ रसूलुल्लाह के गुलामों, और सुनो मेरे आका फरमाते हैं, जिसको मैंने एक दफा जामे कौसर भर के पिला दिया फिर कयास को जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। जिसको सरकार जामे कौसर एक कटोरा एक प्याला आका भर के पिलाएंगे, मेरे आका ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने तक फिर उसको प्यास नहीं लगेगी। यहां साया ढूंढते हो, जा रहे हो रोड पे, मोटरसाइकिल खराब हो गई, देखते हो यार कोई देखो को दरख्त मिल जाए, कोई छप्पर ही मिल जाए, दो मिनट साय में बैठ जाए, और लाखों मील दूर सूरज है, साया यहां ढूंढ रहे हो, जो जिंदगी 60 साल की 50 साल की उसकी गर्मी से बचने से इतना इंतजाम, और जो 1000 साल के बराबर दिन होगा वहां से गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं दिया है। यही तो दीन का पैगाम है, यही तो दीन का होका देने के लिए आज इस मौजू का इंतखाब किया है। जो 40 साल 50 साल जिंदगी है उसकी गर्मी से बचने के लिए एसी भी लग रहा है, पंखा भी आ रहा है, जनरेटर भी आ रहा है। अल्लाह वालों, जो दिन 1000 साल या 50,000 साल के बराबर होगा उसकी गर्मी से बचने के लिए क्या इंतजाम और इंतजाम किया है। आओ दीवानों मचल जाओ, हर कोई साया ढूंढ रहा होगा। अल्लाह पाक मलाइका को बुलाएगा, फरमाएगा फरिश्तों इधर आओ, ये चटियल मैदान है खुला, हर कोई साया ढूंढ रहा है। अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ,
सात किस्म के आदमियों को घेर घेर कर ढूंढ ढूंढ करके ले आओ, जाओ मैदान महशर में फैल जाओ। सात किस्म के आदमी हैं जिनको ढूंढो, तलाश करो, घेर घेर करके ले आओ। अल्लाह कौन? सुन जरा, रहमत कायनात इमामुल अंबिया फरमाते हैं, वो पहला नंबर उस शख्स का है। अल्लाह किसको घेर कर लाए? फरमाया जो जवान था उसकी जवानी उरूज पर थी, शबाब जौबन पर था, वो चौराहों और बाजारों पर खड़ा होकर कौम की बेटियों पर आवाजें नहीं कसा करता था, बल्कि जब आजान होती थी तो अपनी जवानी और शबाब के बावजूद उसकी किसी तरफ तवज्जो नहीं होती थी, हर काम को छोड़कर मस्जिद में आता था, वो नमाज पढ़ा करता था। फरमाया शाब उन नशा फी इबादतिल्लाह, जिस नौजवान की नशो नवा अल्लाह की इबादत में हुई होगी। रब फरमाएगा जा ऐसे जवानों को ढूंढ ढूंढ कर घेर घेर करके ले आओ, उन नौजवानों को। जिन्होंने अपनी जवानी की परवरिश और अपने शबाब में अपने अल्लाह को याद किया होगा, सबसे पहले अल्लाह उन जवानों को बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ उन नौजवानों को ले आओ जो आवारा नहीं थे, बाजारों में चौकों में खड़े होकर वक्त बर्बाद नहीं किया करते थे, बल्कि जब आजान होती थी सब काम छोड़कर, गर्मी का मौसम था, पेशानी जमीन पे टिका करके मुझे सजदा किया करता था। जा उनको ढूंढ कर ले आ, या अल्लाह कहां लाए? फरमा मेरे अर्श के साए के नीचे उनको खड़ा कर दो, अर्श इलाही का साया मिलेगा। जो अल्लाह की इबादत में परवरिश पाने वाला जवान होगा, नौजवानों का फैसला करो, आज अजम करो, रहत करो। इस दुनिया की गर्मी जो 40-50 साल जिंदगी है, इसकी गर्मी और प्यास से बचने का इतना इंतजाम और इत्तेमाम, और जो हजार साल के बराबर दिन होगा वहां की गर्मी और प्यास से बचने का कोई इंतजाम नहीं। अरे प्यास का इलाज सरकार ने वुजू फरमाया कि जिसके वुजू के आजा चमक रहे होंगे, नबी करीम जामे कौसर भर भर के उन गुलामों को पिला रहे होंगे। अल्लाह दूसरा कौन है? फरमाया रजुला ने तहाबा फिल्ला, दो बंदे जो फकत मेरी खातर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कोई ननकाना का रहने वाला, कोई माना वाला शेखुपुरा लाहौर का रहने वाला, अल्लाह इस मस्जिद में जमा हो गए, क्यों आए? मस्जिद तो और भी बहुत हैं। फरमाया तहाबा फिल्ला, वो मोहब्बत करते थे तो फकत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते थे। रब फरमाएगा जो दो बंदे मेरी खातर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे उनको भी ढूंढ के ले आओ और मेरे अर्श के साए में उनको जगह अता कर दो। यही नहीं, फरमाया वो मिलते थे तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तबा गदा फिल्ला, अगर बुग्ज रखते थे एक दूसरे से दूर होते थे तो अल्लाह की वजह से दूर होते थे, उनको ढूंढ के ले आओ मेरे अर्श के साए में जगह दे दो। अल्लाह चौथा कौन है? फरमाया इमाम आदिल, ऐसा हुक्मरान जिसको अल्लाह ने आदल और इंसाफ की तौफीक बख्शी थी, उसको भी ढूंढ के ले आओ और मेरे अर्श के साए में जगह था। हाजरीन मोहतरम, आज हमारा रुख जिंदगी का किस तरफ है? रोजे का हया नहीं, शर्म नहीं, सरेआम खाया पिया जा रहा है, मस्जिदें खाली हैं, नमाज जुमा की एहतियात का ये आलम है कि किसी को परवाह ही नहीं। वो समझता कि ऐसा बोझ है जो सर से फेंकने मस्जिद में जाए, अल्लाह पे एहसान करने जा रहे हैं। नहीं, मेरे मुस्तफा पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, आओ अल्लाह का हुक्म आया कुरान में, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, और जुमे की आजान हो जाए तो हर काम छोड़कर अल्लाह के जिक्र के लिए रब के घर में पहुंचो। आज तेरा ये वक्त देना, ये कयामत के दिन काम आएगा, इसका मूल कयामत के दिन पड़ेगा। आओ अल्लाह से दुआ करें
कयामत के दिन जब कोई अल्लाह के अर्श के साए के अलावा साया नहीं होगा, अल्लाह हमें अपने अर्श का साया अता करना। मौला जब कयामत को जुबानें प्यास से बाहर आ रही होगी, महबूब के मुकद्दस यदुल्ला वाले हाथों से जामे कौसर नसीब करना। आखिर दावाना अनिल हम्द।